सब्सक्राइब कीजिए रघु खन्ना फिटनेस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट न्यूट्रिशन और फिटनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्स अप गाइस, अगेन आज की वीडियो सप्लीमेंट रिव्यू के ऊपर होने वाला है और यही सप्लीमेंट होगा मेरे पास BCAA, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैंने एक कंपनी सेलेक्ट करी है उसके मैं काफ़ी प्रोडक्ट्स रिव्यू करने वाला हूं और जो कि हमारे बजट में आता है और हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, बाय कर सकता है। तो आज उसी कंपनी का मैं BCAA रिव्यू करने वाला हूँ और वो कंपनी है हेल्थविट। तो ये रहा मेरे पास हेल्थविट का BCAA, तो मेरे पास से कुछ दिनों से आया हुआ था, तो मैं इसको 5-6 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो अब इसमें बात कर लेते हैं जल्दी कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है हेल्थविट के BCAA में, जो इसकी खासियत क्या है। तो गाइस, आपने बाकी BCAA नॉर्मल देखे होंगे, उनका स्कूप रहता है 5 से 8-10 ग्राम का, जिसमें आपको 5 ग्राम तक BCAA मिल जाते हैं, ठीक है। बट ये जो हेल्थविट का BCAA है, इसमें आपको मिल रहा है, इसका जो स्कूप है सबसे पहली बात, वो 19.75 ग्राम्स का है, मतलब अराउंड 20 ग्राम का इसका स्कूप है, थोड़ा स्कूप साइज़ बड़ा है। और उसमें आपको मिलता है इसमें लाइक आपको BCAA जो हर किसी में मिलते हैं वो तो आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे ही, लाइक जो L-leucine हुआ, L-isoleucine हुआ या वैलिन हुआ, उनकी जो रेशियो है वो ल्यूसिन है इसमें पर सर्विंग 3 ग्राम्स, बाकी आइसोल्यूसिन या वैलिन है 1.5 ग्राम्स, ठीक है। ये आपको BCAA की जो नॉर्मल आपको रेंज मिलती है हर किसी BCAA में, ये वो वाली है। बाकी हेल्थविट की BCAA में आपको इसमें अलग क्या मिलता है, एडिशनल आपको इसमें क्या मिलता है जो इसका स्कूप साइज इतना बड़ा है 20 ग्राम का है, इसमें गाइस आपको मिलता है सिट्रुलिन मालेट, जो आपको पता है कि आपके इंट्रा वर्कआउट और प्री वर्कआउट आपको अच्छा पंप देने के लिए वर्क करता है और आपका ब्लड फ्लो अच्छा करता है, वो आपको इसकी पर सर्विंग में मिलता है 1 ग्राम। और साथ में आपको मिलती है ग्लूटामिन, जो आपकी रिकवरी के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। अभी इससे पहले मैंने वीडियो में ग्लूटामिन के ऊपर डाला था कि वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, तो इसमें ग्लूटामिन भी आपको 2 ग्राम्स मिल जाती है, बाकी आपको इसमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड मिल जाता है। तो गैस मेन इंग्रेडिएंट्स इस BCAA के हो गए ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ग्लूटामिन और माल्टोडेक्सिन रहता है इसमें, सिट्रिक एसिड रहता है और ग्लूटामिन हो गया, सुक्रोलोज हो गया। और अब अगर बात करें इसके फ्लेवर की, फ्लेवर्स गैस इसमें रहते हैं ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन, और जो मेरे पास फ्लेवर है वो मेरे पास है ऑरेंज। अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा था, आप कह सकते हो कि इसका टेस्ट टू वॉट स्वीट था, लाइक स्वीट ऑरेंज जूस जैसे आप कह सकते हो वैसा इसका टेस्ट था, मुझे अच्छा लगा, ठंडे पानी में तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट था इसका। सो गाइस अगर बात करें ये कितने ग्राम्स का बॉक्स आता है, ये आता है 200 ग्राम्स का बॉक्स, जो आपको अमेज़ोन पे अराउंड 700-800 रुपये के करीब मिल जाएगा। मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और गाइस एक चीज़ ये है कि ये अगर आपको 700 रुपये में मिलता है, बट ये भी है कि इसमें जो सर्विंग हैं वो आपको सिर्फ 10 मिलती हैं, 10 सर्विंग्स आप यूज़ करके देख सकते हो कि इस आपके लिए इस ब्रांड ने कैसा काम किया। और अगर हम बात करें दूसरे रेगुलर ब्रांड्स की जिनमें 30 सर्विंग्स आती हैं, तो उस हिसाब से ये आपको पड़ेगा अराउंड 2,100 रुपये के। तो मुझे लगा है थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, बट मुझे, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 10 सर्विंग्स लिखी तो हुई हैं, बट मेरा ख्याल जो डिब्बा जिस हिसाब से भरा होता है, जिस हिसाब से इसका स्कूप है, मुझे लगता है इसमें 10 सर्विंग नहीं, इसमें आपको कम से कम 15 से 17 सर्विंग्स मिल जाएंगी, जो मुझे लगता है। और इसका पाउडर अगर बात करूँ तो बहुत ही फाइन क्वालिटी का है। तो अगर 700 रुपये के हिसाब से हम देखें कि इसमें आपको 10 सर्विंग्स जो इसके ऊपर लिखा हुआ, बट फिर भी आपको इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा सर्विंग्स ही मिलेंगी, जो कि होंगी 15-16 के राउंड। और अगर 15-16 दिन आपके निकलते हैं 700 रुपये के BCAA से, तो आई थिंक आपको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, ये अच्छा ब्रांड है। इसके मैंने तभी काफ़ी प्रोडक्ट्स चूज़ करे हैं जो आपके लिए मैं बारी बारी रिव्यू करूँगा। अगेन इसमें रेशियो अच्छी है 2:1:1 की। फ्लेवर मेरे पास है ऑरेंज, ये है हेल्थविट का BCAA। तो गाइस BCAA के मैंने फ़ायदे तो आपको बताए ही हुए हैं, पहले भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये आपकी लीन मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है, वो कैसे, क्योंकि ये आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है जो इसमें अमीनो एसिड रहते हैं, और आपकी जो फटीग को कम करता है अगर आप इसको इंट्रा वर्कआउट लेते हो, और आप लॉन्गर टाइम तक वर्कआउट कर सकते हो। आपको ये सोरनेस जो फटीग आपको वर्कआउट के ड्यूरिंग होती है, कई बार आप वर्कआउट छोड़ना चाहते हो, आप वो अपना वर्कआउट लंबे टाइम तक कर सकते हो। BCAA आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है अगर आप सुबह एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हो, जैसे मैं करता हूँ, और ख़ासकर अगर आप अपने फैट लॉस के दौरान सुबह एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हो और BCAA साथ में सिप करते हो, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइज़।